ये जो साइड है ये डेंसा मिल की फिक्स व्हील की जो साइड है, जो व्हील फिक्स होगा उसकी साइड है। मैं अभी ये देखें ये खराद कर रहा हूँ, ये सारा इस पे मैंने ये चढ़ाया हुआ है। और मैं इसमें आपको ये बता दूं कि ये इस तरह दो जो है ये 3 इंच बाई 3 इंच के दो जो ये पीस मैंने जोड़ के ऐसे जोड़ के एक प्लेट मैंने इसके ऊपर ऐसे लगाई है और एक प्लेट जो है इसके दूसरी साइड पे। तो ऐसे करके दो प्लेटें मैंने लगाई हैं ये ऐसे करके, और फिर इनके अंदर से मैंने बोर अभी मैं कर रहा हूँ और ये इस तरह करके देखें, और बोर जो है वो इस साइज़ का मैं बोर कर रहा हूँ। तो ये हमारी वो सिलेंडर है जिसमें व्हील की जो आर्बर है, जो शाफ्ट है वो इसमें लगेगी। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी शाफ्ट है और इसमें देखें ये इतनी मोटी, और इसमें जो बैरिंग लगेगा वो हमारा बैरिंग है ये देखें 8 08 3808। तो ये वाला बैरिंग है हमारा इसमें, और इस साइड पे अभी मैंने बैरिंग साइज नहीं की है। तो ये इसमें ऐसे आ जाएगी, ये देखें, और ये इतनी आगे से बाहर हो जाएगी। और ये जो प्लेट आपको, ये आपको डबल जो नज़र आ रही है, तो इसमें मैंने ये टोंके लगाए हुए, ये टोंके यहाँ से तोड़ दूंगा और ये प्लेट बिल्कुल अलग हो जाएगी। और ये प्लेट में फिर यहाँ से इसको मैं वेल्डिंग कर दूंगा, ये ऐसे चारों तरफ से इसको मैं वेल्ड कर दूंगा। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लेट, ये वाली जो प्लेट है ये इसके साथ ही आ जाएगी, ऐसे ही इसके साथ होगी। और यहाँ पे चार काबले यहाँ पे लगा के, तो ये काबलों के साथ लगी होगी। इसके अंदर जो शाफ्ट लगी होगी तो वो ये देखें, ये शाफ्ट है हमारी, और ये हमारी शाफ्ट है 45 mm 45 mm मोटी शाफ्ट, स्टील की शाफ्ट है ये वाली शाफ्ट मैं लगा रहा हूँ। और तो ये यहाँ से सुराख डाल के बोर करके मैं काबले के लिए दूसरी साइड से काबला बाहर आ जाएगा। तो फिर मैं इसके ये वाला जो टोंके, ये 1 2 और 3 ये मैं तोड़ दूँगा, और ये इसके साथ मैं पहले वेल्ड भी कर दूँगा। तो यूँ हमारी ये जो फिक्स व्हील की जो हमारी आर्बर है और सिलेंडर है उसका, वो हमारा तैयार हो जाएगा।
ये बेंडसा मिल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने तैयार कर लिया है, और इसमें ये देखिए जो हेड है, हेड को हमने उसके अंदर डाल दिया, और ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखें, और ये बहुत हैवी ड्यूटी इस दफ़ा हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। इसमें जो नाली हमने इस्तेमाल की है वो 3 इंच चौरस नाली इस्तेमाल की है, और उसका जो गेज है वो 12 गेज है, यानी 4 mm उसकी जो मोटाई है वो 4 mm है। अभी इसका बाकी काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं। ये मशीन जो है वो हम बना रहे हैं, इसमें जो व्हील है वो हम 24 इंच के व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े व्हील हैं, इसीलिए हमने इसका स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से थोड़ा हैवी बनाया है, ताकि जो व्हील है वो इसको इस पे आराम से चल सके। तो यार आपने इसकी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इसके बाकी पार्ट आपने ज़रूर देखने, और अपने कमेंट्स में आपने ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।